जिंदगी में पहली बार मैं इतने पास से प्लेन देख रहा हूँ। सो एक गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग गाइस। तो एक्चुअली आज शाम को निकलना, क्योंकि अपनी 11 बजे की फ्लाइट है। एग्जैक्टली हम कहाँ जा रहे हैं वो तो मैं अभी नहीं आपको बताऊँगा। तो अभी टाइम हो रहा है 4:36 एंड 5 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं। मतलब जो इनोवा चलाने वाले भाई है, मतलब केतन, तो वो आज आ रहे हैं। मतलब एक्चुअली संडे तो उनकी भी छुट्टी होती, लेकिन फिर भी वो आ रहे स्पेशली मेरे को छोड़ने के लिए। और इसको रात को ही कवर लगा दिया था क्योंकि होली आने वाली है एंड हम इससे तो जा नहीं रहे ना, इसको लेके नहीं जा रहे, उसको यहीं रखने वाले। एंड होली के दिन फिर इन लोग है ना वाट लगा देंगे, इसके लिए मैंने कवर पहले ही डाल दिया। एंड केतन भाई आते तब तक आपको बताता हूँ कि मतलब केतन भाई आने के लिए 5 बजेंगे उनको, और तब तक मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैंने जो वो जैकेट लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा, तो वो जैकेट मैंने इसलिए नहीं पहना जो मैंने दिखाया था कि वो पहन के जाने वाले हो, क्योंकि ज़्यादा वेट लेके क्यों जाऊँ, है ना। एंड वो जैकेट का इतना नीड नहीं, ऊपर से गर्मी है तो वो मतलब नहीं है। इसके लिए मैंने ये वाला अभी पहन लिया एंड एकदम हल्का है, सो टेंशन नहीं है मतलब गर्मी वगैरह का। तो जैसे कि हम फ्लाइट में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं एंड मैं कभी मतलब एयरपोर्ट भी गया नहीं रहूँगा एंड ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। आई नो बहुत लोगों को बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये फैक्ट है कि मैं गया ही नहीं हूँ कभी फ़्लाइट में, ये मेरा फर्स्ट है। मतलब मोस्टली हमने है ना कार में ही ट्रैवल किया है, तो मैंने सोचा इस बार है ना फ़्लाइट में जाएंगे। एंड जहाँ एग्जैक्टली हम जा रहे हैं ना वो मैं आपको बताता हूँ एयरपोर्ट पे जाके। और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है अपने को कि आधे घंटे पहले ही आके बैठ गए कार में एंड केतन में अभी तक आए नहीं है। मतलब अभी उनको एक बार फ़ोन करके देख लेता हूँ कहाँ तक पहुँचे, और 5:10 हो चुके हैं, फ़ोन कर लेता हूँ पहले। पहुँच गए एयरपोर्ट पे, लेकिन बहुत ही जल्दी पहुँच गए 7:24। तो सबसे पहले जाते हैं और जाके वॉशरूम चलते हैं ना, बहुत ज़ोर से लगी है, बहुत ही सही दिख रहा है। मतलब ये डिज़ाइन की वजह से ना ओवरऑल लुक एकदम चेंज कर देता है। हम पहुँच तो गए जो कि बिफोर टाइम है, क्योंकि मुझे लगा कि टाइम जाएगा। और चलो आपको बता ही देता हूँ कि गोवा जा रहा हूँ, और मेरे कज़िन, मतलब मेरा जो कज़िन है उसकी जो वाइफ है, उसकी सिस्टर छोटी वाली, वो मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन करेगी। एंड कैसा है कि मुझे सरप्राइज़ देना है एंड मुझे एड्रेस भी पता नहीं, कुछ पता नहीं है। एंड मैंने रिक्वेस्ट की तो वो भी चलने के लिए तैयार हो गई एंड हम दोनों साथ में जा रहे हैं। वो प्रॉपर ऐसे एक आइलैंड पे रहते हैं एंड अपने को वहाँ से है ना फेरी लेके फिर जाना पड़ता है। मतलब गोवा जाओ, गोवा एयरपोर्ट से फिर 1 आवर का कुछ तो भी रास्ता है, उसके बाद वहाँ से फेरी लो और फिर वो आइलैंड पे जाओ, है ना। तो अपने को वहाँ पे थोड़ा टाइम जाएगा, तो वो रीज़न के मतलब, और मुझे तो कुछ पता नहीं क्योंकि मैं 13 साल के बाद जा रहा हूँ गोवा, तो अपने को थोड़ा टाइम जाएगा। मतलब अपने को थोड़ा सा नया वो पूरा, तो मैंने रिक्वेस्ट किया एंड फाइनली वो ज्वाइन कर रही है एंड चलते हैं हम लोग दोनों साथ में। बैठे बैठे सब वीडियोस देख रहा था, तो एक जो सेंटेंस है ना करके, वो सारे लिटरली वही मैं बोले जा रहा हूँ। मतलब मेरी आदत ऐसी है ना, जैसे कि पहले के आपने अगर व्लॉग्स देखे होंगे ना, तो उसमें मैं अपन कैसे रिपीट करता था, तो बीच में भी कोई तो भी एक वर्ड था वो भी रिपीट करता था, और अभी ये वर्ड है ना, मतलब है ना मुझे वो सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं ऐसे करता हूँ ना तो है ना, मतलब कोई भी एक वर्ड है ना वो पकड़ ही लेता हूँ,
और उसी को बोलते रहता हूँ, तो वो अपने को अवॉइड करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा मतलब। अच्छा हुआ कॉफ़ी पी के आया था, नहीं तो अपने को नींद लगती थी बहुत। तो मैंने केतन भाई को बोल दिया कि भाई आप चले जाओ, क्योंकि मेरे वजह से आप क्यों लेट हो ना। तो लगेज खाली ये दो है, जो कि मेरा सिर्फ यही है छोटा वाला, और ये बड़ा वाला जो हमारे साथ ज्वाइन करने वाला है, क्योंकि मैं उनके घर पे गया और घर से जाके ये बैग लगेज ले लिया और सीधा यहाँ पे आया, क्योंकि वो डायरेक्ट ड्रॉप से आ रहे हैं, इसके लिए मैंने फिर ये पहले ले लिया। एंड अभी वेट करते हैं, 8:33 हो रहे हैं, अब फ़ोन किया था तो 10-15 मिनट में आ रहे ऐसा तो बोला। 8:47 मतलब कितना लेट आई। फाइनली अपना चेक इन हो गया अंदर, और अभी जाते हैं सबसे पहले, तो अपने को कुछ आ नहीं रहा है, नहीं नहीं ना, तो देखते हैं पहले। सॉरी एक्चुअली जो हम पहले एंटर हुए ना वो चेक इन नहीं था, एंट्री था, और उसके बाद हमने चेक इन किया। एंड फाइनली ये रही टिकट्स, ऊपर से अपनी फ़्लाइट भी डिले, जो 11 बजे की थी वो अभी हो गई है 11:20, मतलब 20 मिनट डिले, एंड हम 12:30 बजे तक पहुँचेंगे। और एक चीज़ अच्छा हो गया कि हम जल्दी आ गए, क्योंकि ये सब चीज़ें एंड टाइम पे आ गए अगर करते ना तो पता नहीं होता और डिले हो जाता था, तो एक अच्छा हुआ कि हम जल्दी आ गए। तब तक कुछ खा लेते, बहुत भूख लगी है, क्योंकि हमने बस घर से निकलने से पहले कॉफ़ी पी थी, उसके बाद से कुछ खाया नहीं था, तो जाते पहले कुछ खा लेते। मैं अपने को लगी एकदम ताबड़तोड़ भूख, तो एक चिकन सैंडविच बस इतना ही खाएंगे। इसलिए दुनिया तो यहाँ पे है, मतलब प्रॉपर आप अंदर आओगे ना तब पता चलेगा, जो भी पीछे अब वहाँ जाता हूँ और वहाँ जाके आपको बताता हूँ। सब शॉप से लेकिन इतने महंगे होंगे ना, जिंदगी में पहली बार मैं इतने पास से प्लेन देख रहा हूँ। लाइफ में पहली बार प्लेन देखी है मैंने इतने पास से। एंड एज यूजुअल फ्लाइट और डिले हुई, मतलब जो 11:20 की 11:20 को की थी वो अभी 11:40 हो गई। एंड ये देखो सब लाइन में लगे हुए हैं, मतलब सब चिड़े हुए हैं, इतना लेट भी नहीं करना चाहिए। 11:40 होने हैं, वी आर स्टिल वेटिंग। एक बात बोलो, अपनी कार ही सही है ना, फुकट का एक्सपीरियंस करने इधर आए। आँख में इतनी नींद आई हुई है, अच्छा वो कॉफ़ी पी के आया था। और अपन ने विंडो सीट ले ली थी ना पहले ही। नहीं जब चलते जो रात होने के रास्ता भी चली मिल रहा था। 12:10 होने आए हैं, शायद 5 मिनट में अभी उड़ेंगे यहाँ से। लगे यहाँ से उठा लेते, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा गया, एंड 1 घंटा डिले था फ्लाइट। ये बैग के चक्कर में मेरे को लगता है कि 15 मिनट अपने चले जाने वाले, इतनी भूल भुलैया है ना बैग के लिए, तो लिटरली अभी तक आया नहीं है।
मेरे आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी एनर्जी कितनी लो है। चलो अपनी एक बैग तो आ गई। फाइनली एक बैग तो आ गई। तो जस्ट मेरे सामने से ये बैग है, लेकिन मेरे ध्यान में ही नहीं आया कि ये मेरा बैग है, क्योंकि हमने ब्लैक कलर का और पता ही नहीं चला। बाद में ये नाम देखा तो पता चला कि ये मेरा बैग है। मतलब ये चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी आओगे ना तो बैग पे कोई टैग लगा देना, या तो फिर कोई अलग ही कलर ले लेना, नहीं तो मेरे जैसे घूमते ही रह जाओगे। नसीब ये टैक्सी के लिए यहाँ पे है, नहीं तो फिर आज तो फंसी है थे। मैं तो कहता हूँ भूल से भी फ्लाइट में बताना, अपनी कार लो और कल्टी मारो सीधा, भूल से भी नहीं, क्योंकि 2 बजे अपने को इधर, जबकि 12:30 बजे हमको यहाँ, 12:30 भी नहीं, उसके पहले हमें यहाँ पहुँचना था 12 बजे, एंड 1 बजे तक घर पे। अब हम इस पे जाएंगे। कितने बजे तक चालू रहता है ये? कौन सा? मतलब ये टैक्सी वगैरह 24 घंटे 24 घंटे रहता है। यहाँ से अभी 1 घंटा दूर है अपना डेस्टिनेशन। पहुँच गए और टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं, तो हमको यहाँ से सिकली वहाँ जाना है, और कोई फेरी भी है यहाँ पे अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। हॉर्न मारे कब से? नहीं, फ़िलहाल तो कोई सिग्नल नहीं दे रहा है। फाइनली अभी सिग्नल मिला है ना, वो येलो कलर की जो लाइट जल रही है। ये भी अपना अलग एक्सपीरियंस है, मतलब नसीब की फेरी वहाँ से अभी आ रही है इतना हॉर्न बजाने के बाद, सिग्नल देने के बाद। तो 2:00 मतलब 35 मिनट्स, हम ऑलमोस्ट 3 बजेंगे अपने को वहाँ पहुँचते पहुँचते, एंड देख के डर लग रहा है, लेकिन अभी कैसा रात का टाइम है तो इतना कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन दिन में जब आएंगे तब पता चलेगा एक्चुअल में। और ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, मेरे ख्याल से 800 ही है, आई मीन 800 मीटर्स। भाई अपने को गाली दे रहे रहेंगे इतनी रात को उठाया। चले चलो, यार बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, मतलब गोवा आना और ऐसे आइलैंड पे जाना, और वो भी यहाँ से अगर वो साइड जाना है तो आपको तो फेरी यूज करना पड़ेगा, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। वो भी रात के 2:30 बजे। हाय 3:45 हो रहे हैं, और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, एंड हमने सोचा था सरप्राइज़ वो 1 बजे तक देंगे, लेकिन फ्लाइट डिले की वजह से 3 बजे हैं, एंड अभी ये टाइम हो रहा है। तो अभी हम गोवा घूमेंगे, मतलब आफ्टर 13 ईयर्स मैं गोवा आया हूँ और यहाँ पे घूमूंगा, एंड अलग एक्सपीरियंस होगा। और वैसे यहाँ का सुबह जब आप देखोगे एग्जैक्टली
तो क्लाइमेट भी एकदम अलग होगा नहीं, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो है 24 और कल सुबह जब होगा तो वो ऑलमोस्ट 37 तक जाएगा ऐसा जब बात कर रहा था तभी बोला, तो देखते अभी। एंड फाइनली इस व्लॉग को करते हैं यही ख़त्म और मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट।